एक बड़ा जहाज, सामने एक पुल। जहाज पुल के खंभे से टकराता है, पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर में ऐसा हुआ है। इस घटना के बाद भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये सब आखिर हो कैसे गया? तो चलिए इस मामले की हर बड़ी बात से आपको रूबरू करा देते हैं। जहाज का प्रबंधन करने वाले सिनर्जी मरीन ग्रुप ने एक बयान में कहा कि इस जहाज पर 22 क्रू मेंबर थे और ये सभी भारतीय थे। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सिंगापुर का झंडा लगे जहाज डली में बिजली संबंधी समस्या थी और इसके पुल से टकराने से कुछ देर पहले ही परेशानी में होने का संदेश दिया गया था। हालांकि जब तक विशाल कंटेनर जहाज के चालक दल को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक जो बताया गया है उसके मुताबिक बाल्टीमोर बंदरगाह से श्रीलंका तक की यात्रा की शुरुआत में ही जहाज ने बंदरगाह छोड़ने के बाद पूरी तरह से पावर खो दी और ये शहर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जो हो रहा था उसे रोकने में चालक दल असमर्थ था और आखिरकार जहाज पुल के खंभे से टकरा गया। संबंधित कंपनी के बयान में कहा गया है कि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। जहाज जब पुल से टकराया उस वक्त उस पर निर्माण दल के मजदूर गड्ढे भरने का काम कर रहे थे। बचाव कर्मियों ने नदी में से 2 लोगों को निकाल लिया है, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं। पूरे दिन खोज और बचाव अभियान के बाद अमेरिकी तटरक्षक के रियर एडमिरल शैनन गिलरेथ ने कहा कि बल अभियान को निलंबित कर रहा है क्योंकि बाकी लोगों के जीवित पाए जाने की संभावना नहीं है। जो पुल टूटा है वो साल 1977 में खोला गया था और ये पटाप्स्को नदी पर बना है, जो एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने बताया कि मालवाहक जहाज के चालक दल ने पोत के पुल से टकराने से पहले अधिकारियों को बिजली संबंधी समस्या के बारे में सचेत किया था, जिससे पुल पर यातायात को सीमित किया जा सका। मूर ने कहा, ये लोग नायक हैं, उन्होंने लोगों की जान बचाई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, जहाज पर सवार कर्मियों ने मैरीलैंड परिवहन विभाग को सचेत कर दिया कि उन्होंने अपने जहाज से नियंत्रण खो दिया है। इसी का नतीजा था कि स्थानीय अधिकारी पुल के ढहने से पहले उसे यातायात के लिए बंद कर पाए, जिससे निसंदेह लोगों की जान बच पाई। बाइडेन ने यह भी कहा कि इस वक्त उनके पास ये मानने के लिए कोई संकेत नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया कोई काम है।